तो गाइस वेलकम टू सिम फाइन वीडियोस। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अपने सिंपल से मोबाइल फ़ोन को नॉर्मल से मोबाइल फ़ोन को एक गेमिंग फ़ोन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले अपनी सेटिंग्स ओपन करनी है। अपनी सेटिंग्स ओपन करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है या आपको डेवलपर ऑप्शंस में जाना है। अगर आपके मोबाइल फ़ोन में ये वाली ऑप्शन नहीं आती तो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि आप ये कैसे डेवलपर ऑप्शंस इनेबल कर सकते हैं, तो आप उस वीडियो को जाके चेक कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो फिर आपको ये नीचे स्क्रॉल करना है। आपको ये थोड़ा सा ही नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको इधर एक ऑप्शन मिलेगी हार्डवेयर एक्सेलरेटेड रेंडरिंग में। आपको ऑप्शन मिलेगी फोर्स 4x MSAA। आपको क्या करना है, सिंपली इसे इधर से इनेबल कर देना है। तो आपकी ऑप्शन इनेबल होगी। आपको फिर बैक जाना है। बैक जाने में आप जाने के बाद आपको डिवाइस केयर में जाना है। अपने डिवाइस केयर में जाने के बाद अब ये आपका देख रहा है कि मोबाइल फ़ोन में कुछ कहीं खराबी तो नहीं, तो फिर आपको अपनी बैटरी में जाना है। बैटरी आपको अपनी बैटरी स्टेटस आप इधर से देख सकते हैं कि आपकी जो बैटरी है वो बैटरी की पूरी यूजेज हुई है, कि आपकी जो बैटरी है कैसे चल रही है कैसे नहीं चल रही। तो फिर आपको स्टोरेज में जाना है। स्टोरेज में जाने के बाद आपको ये इधर से देख लेना कि कौन सी आपकी ऐप ज़्यादा स्टोरेज ले रही है। तो फिर आपको इधर नेक्स्ट मेमोरी में जाना है। मेमोरी में जाने के बाद आप ये देख सकते हैं कि अभी आपके मोबाइल फ़ोन की मेमोरी चेक करना शुरू हो गया। तो ये मेरी जो एक्स्ट्रा मेमोरी निकली है वो +433 MB है, तो मैं अभी इसे क्लीन कर लेता हूँ। ये भी मेरे मोबाइल फ़ोन का जो है वो स्पेस काम कर रहा है। तो अभी जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी जितनी भी एक्स्ट्रा ऐप्स हैं वो सारी मैंने अपनी बैकग्राउंड ऐप्स क्लोज कर दी हैं। तो फिर आपको अपनी सिक्योरिटी में जाना है। अपनी सिक्योरिटी में जाने के बाद सबसे मेन स्टेप यही है कि आपको इधर से अपना फ़ोन स्कैन कर लेना है, द स्कैन फ़ोन। तो आप अब ये देख सकते हैं कि इधर से जो है ये मेरा फ़ोन जो है ये स्कैन होना शुरू हो गया। तो अभी मैं जो है ये थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज कर देता हूँ, तो ये इसमें टाइम जो है ये काफ़ी लगता है। तो अब आप देख सकते हैं कि मेरा जो फ़ोन है ये जो है ये स्कैन कर लिया सिक्योरिटी ने। तो सिक्योरिटी में जैसे कि मैंने अपना फर्स्ट टाइम स्कैन किया था, तो सिक्योरिटी ने 2-3 जो मालवेयर थे वो डिटेक्ट किए थे, जैसे वायरसेस जो कि बहुत ज़्यादा स्पेस ले रहे थे और जो कि मोबाइल फ़ोन ने जो कि नुकसान भी पहुंचा रहे थे। तो एक ये भी तरीका कि जैसे कि आप अपने मोबाइल फ़ोन को जो है वो केयर कर सकते हैं। तो फिर आपको अब क्या करना है, आपको नेक्स्ट प्रोसेस जैसे कि आपका ये हो जाएगा, इसके बाद अब आपको बैक जाना है। बैक जाने के बाद आपको अपनी नोटिफिकेशन पैनल में जाना है। नोटिफिकेशन पैनल में जाने के बाद आपको ऊपर से जिधर का पावर सेविंग मोड होगा वो भी आपको डिसेबल कर देना है उधर से, अगर वो इनेबल हुआ तो। अगर वो नहीं इनेबल तो आपको उसे कुछ नहीं करने की ज़रूरत, क्योंकि पावर सेविंग मोड भी आपके जो प्रोसेसर की स्पीड होती है उससे रिड्यूस करते हो। तो गाइस अगर आपको ये अभी तो मैं आपको ये नहीं करके दिखा सकता क्योंकि मैं ये अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ वीडियो में, तो इसलिए तो फिर प्रॉब्लम होगा। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो का लाइक एम रखते हैं 500 लाइक्स का। तो आप ये मैंने फर्स्ट टाइम कोई बड़ा लाइक एम दिया, तो इसे जो है वो आप ज़रूर कम्प्लीट करें क्योंकि न्यू ईयर है। तो थैंक्स वॉचिंग।